अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फरहीन कुकिंग्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्प्रिंग रोल पट्टी और समोसा पट्टी की रेसिपी, जिसे आप ये वीडियो देखने के बाद बहुत ही आसानी से घर में बना सकेंगे। स्प्रिंग रोल को कैसे फ्राई किया जाता है और इसकी फिलिंग कैसे तैयार की जाती है, तो इसकी रेसिपी भी मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो फिर चलिए आज की बहुत ही आसान और मजेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने बॉल ले लिया है, उसमें हम ये मैदा डालेंगे जो कि मैं 1.5 कप ले रही हूँ। तो ये मैदे को आपने एक दफ़ा अच्छे से छान लेना है और फिर रेसिपी में यूज़ करना है। और इसके बाद देखिए, ये 1 टीस्पून नमक हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे मिक्स करते जाएंगे। तो जितना पानी इस डो के लिए हमें चाहिए था उतना मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो अब हम इसे इस तरह से हाथों से अच्छे से गूंद लेंगे। तो ये डो जो है हमारा, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। तो जैसे हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं रोटी के लिए, उससे हमें बस थोड़ा सा इसे हार्ड रखना है। तो ये देखिए, ये डो हमारा रेडी है। तो इसे अब हम रेस्ट देंगे 10 से 15 मिनट के लिए और फिर 10 मिनट बाद हम इसके पेड़े तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस साइज़ के। तो इसी तरह से हमें सारे बना कर रख लेने हैं। तो ये देखिए, ये सारे पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं। तो इतने आटे में मेरे 8 पेड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इसकी छोटी छोटी रोटियां बेल लेंगे। तो बहुत बड़ी साइज़ की रोटी आपको नहीं बेलनी है। तो ये देखिए, ये इतनी साइज़ की सारी रोटियां आपको बेल कर रख लेनी है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये एक रोटी लेंगे हम, उस पर ये थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर देंगे। तो कोई ब्रश का हमें यूज़ नहीं करना है, बस इस तरह से उंगलियों से हमें इसे ग्रीस कर लेना है। और इसके बाद हम इसके ऊपर आटे की डस्टिंग कर लेंगे और फिर ये दूसरी रोटी हम इस पर रख देंगे। और फिर इस दूसरी रोटी को भी हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और फिर इस पर भी हम आटे की डस्टिंग करेंगे। और इसी तरह से हम इस पर 5 से 6 रोटियां रखेंगे एक के बाद एक, और इसको ऑयल से ग्रीस करते जाना है। तो आप इसे 5 से 6 रोटियों की भी बना सकते हैं या फिर आप 2 से 3 रोटी की भी आप बना सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे। तो अब मैं इस पर ये लास्ट 5वीं रोटी रख रही हूँ और इस पर हमें ऑयल की ग्रीसिंग नहीं करनी है। इस पर हम थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और इसे बेल लेंगे। तो ये 5 रोटियों की तह लगाने के बाद हमें इसकी बड़ी रोटी बेल लेनी है। तो जब हम इस तरह से सारी रोटियों को बेलते हैं तो वो सारी रोटियां एक ही साथ पतली हो जाती हैं, जबकि एक रोटी को पतला बेलना बहुत ही मुश्किल काम होता है। अब हम इसकी साइड बदलेंगे और इसे दोबारा से बेलेंगे ताकि इसकी दूसरी साइड भी बराबर हो जाए। तो ये देखिए, इसकी मैंने बड़ी सी रोटी बेल ली है। और ये देखिए, ये चूल्हे पर मैंने फ्राई पैन रख दिया है। तो इसमें अब हमें ये रोटी को डाल देना है। गैस की फ्लेम मैंने लो रखी है, लो फ्लेम पर हमें इसे पकाना है। और जब ये थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट जैसी हो जाएगी तो हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। तो इसे मैंने दोनों साइड से पका लिया है। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं पैन से और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें इसकी चारों साइड से कटिंग कर लेनी है। तो इसे हमें स्क्वायर शेप में काटना है और जो इसकी साइड निकल रही है इसे हम पापड़ी चाट में यूज़ कर लेंगे। तो ये देखिए, ये पट्टी हमारी स्प्रिंग रोल की तैयार हो चुकी है। रोल को किस तरह से तैयार करना है, कैसे इसे फोल्ड करना है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये स्प्रिंग रोल की एक पट्टी मैंने ले ली है, इसमें अब हम फिलिंग भरेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसकी लई तैयार करेंगे। तो ये एक कटोरी में मैंने थोड़ा सा मैदा ले लिया है, उसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये लई हमारी तैयार हो चुकी है, इसे हम रख देते हैं साइड में। तो ये पट्टी में अब हम स्प्रिंग रोल की फिलिंग भर लेंगे और फिर हमें इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है। और इसके बाद देखिए, ये जो लई हमने तैयार की थी उसे हमें इसके किनारों पर लगा देना है इस तरह से, और फिर हमें इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, ये एक रोल हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से हमें बाकी के सारे रोल भी बनाकर रख लेने हैं और फिर हमें इसे ऑयल में डीप फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए, माशाल्लाह अल्लाह की नेमतें जो उसने हमारे रिस्क में अता की है। तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, क्योंकि ये हमारे लिए आपकी तरफ से मिलने वाला एक इनाम है जिससे हमारी हौसला अफजाई होती है। रेसिपी पसंद आने पर मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।